अब चलते हैं टुवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉप स्टोरी, टॉप फाइव स्मार्टफोन कैमरास ऑफ 2022। आपको पता है लास्ट फोन स्टैंडिंग हमारा बहुत ही फेमस ईयर एंडर शो, वो राउंड द कॉर्नर है। वहाँ पे हमारे जितने भी ये नॉमिनीज हैं इन वेरियस कैटेगरीज वील डिक्लेयर विनर्स। लेकिन आज बात कर रहे हैं अबाउट द टॉप फाइव कैमरा फोन्स ऑफ 2022 और हमारी नॉमिनी लिस्ट में है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स, गूगल पिक्सल 7 प्रो, वीवो X80 प्रो एंड मोटो एज 30 अल्ट्रा। मिड प्रीमियम टू प्रीमियम सेगमेंट फोन्स में वी आर सीइंग सम फैंटास्टिक वर्क दैट हैपेंड इन 2022। फाइनल विनर्स तो डिक्लेयर करेंगे ऑन द लास्ट फोन स्टैंडिंग, लेकिन अभी देखते हैं अ लिटिल बिट अबाउट ऑल द फाइव नॉमिनीज। जब कैमरा फोन्स लॉन्च हुए थे तब सबसे अच्छा फोन चुनना काफी आसान था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और बहुत सारे फीचर्स भी नहीं थे, लेकिन हाल ही में ब्रांड्स ने अच्छे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है। आज फोन के कैमरा काफी अच्छे और सक्षम हो गए हैं और उसमें सबसे अच्छा कैमरा फोन चुनना काफी मुश्किल है। सेल गुरु के इस रिव्यू में आपको बताएंगे 2022 के ऐसे टॉप 5 फोन्स के बारे में जिनका कैमरा शानदार है। एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये फोन अपने आप में दमदार है, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स कई तरह के बेहतर तकनीकों के साथ आते हैं। इसमें आपको नॉच की जगह डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है और ये उम्मीद से काफी अच्छा है। आईफोन 14 प्रो सीरीज इस बार अपने सबसे बड़े कैमरा अपडेट के साथ आई है। इसके साथ ही आईफोन का कैमरा जो अच्छा ही था वो पहले से और बेहतर हो गया है। टेस्टिंग के दौरान हमने देखा कि इसमें डायनेमिक रेंज और डिटेल हैंडलिंग पहले से अच्छी हुई है। एप्पल ने इस फोन में ज्यादा शार्प लुक की तरफ रुख किया है, हालांकि शायद सबको पसंद ना आए। रॉ मोड में तस्वीरें लेने के बाद फर्क साफ पता चलता है, फोटोग्राफर को इसकी कम नॉइज और बेहतरीन डिटेल्स पसंद आएगी। वीडियो शूट करने के शौकीन भी इससे काफी खुश रहेंगे। फोन में सिनेमैटिक मोड दिया गया है जो 4K 30fps रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। एप्पल इसमें नया एक्शन मोड लेकर आया है जो 2.8K रेजोल्यूशन में GoPro जैसा स्टेबलाइजेशन फोन में ही दे देता है। अब आप भागते हुए या कोई काम तेजी से करते हुए भी अच्छी तस्वीरें ले पाएंगे। अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो लेंस को भी अपग्रेड किया गया है और अब ये ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर लेते हैं। 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आप 2x जूम मोड में भी तस्वीरें ले सकते हैं और ये मोड 1x और 3x सेटिंग्स के बीच में आता है, जिससे रेजोल्यूशन भी अच्छा मिलता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,39,900 रुपए है। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, सैमसंग ने इस फोन के जरिए सभी बॉक्सेस को टिक कर दिया है। इस फोन का क्वाड कैमरा सेटअप बहुत शानदार है। इसमें आपको वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो और सुपर जूम सेंसर देखने को मिलते हैं। S22 अल्ट्रा में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस के साथ आता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स की है, डिस्प्ले क्रिस्प है और S Pen स्टाइलस का सपोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। फोन के मेन कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। सैमसंग इसमें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जिसे वो एडेप्टिव पिक्सल कहता है। ये दोनों 108 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल की तस्वीरों को कंबाइन कर देता है और एक सुपर लार्ज पिक्सल वाली तस्वीर बना देता है। इस तस्वीर में आपको पहले से ब्राइट, क्रिस्टल क्लियर और ज्यादा डिटेल वाली तस्वीर देखने को मिलती है। कम रोशनी में शूट करते वक्त लेंस के ऊपर दिया गया सुपर क्लियर ग्लास फ्लेयर को हटा देता है, इससे नाइट मोड में भी बेहतर और शार्प तस्वीरें आ जाती हैं। साथ ही इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 10 मेगापिक्सल के दो टेलीफोटो कैमरा भी, जो मिलकर 10x ऑप्टिकल जूम और 100x स्पेस जूम बन जाते हैं। सैमसंग इसमें कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल कर रहा है। एक अडेप्टिव पिक्सल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जो 9 पिक्सल्स को कंबाइन करके एक बना देता है, जिससे कम रोशनी में भी अच्छी 4x मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी S22 की कीमत 1,09,999 रुपए है। गूगल पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल फोन्स ने इंडियन मार्केट में काफी लंबे समय के बाद अपनी वापसी की है। गूगल पिक्सल 7 प्रो का शार्प कर्व डिस्प्ले, ज्यादा कैमरा और बड़ी बैटरी इसे एक प्रीमियम लुक देता है।
फोन में आपको गूगल का टेंसर G2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो इंडिया में 12 GB रैम के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड शूटर के साथ आता है। साथ ही फोन में एक 48 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो सेंसर भी दिया गया है। लेकिन पिक्सल फोन्स को अपने हार्डवेयर के लिए कम और शानदार कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिए ज्यादा जाना जाता है। तीनों ही कैमरा किसी भी तरह की लाइटिंग में अच्छे शॉट्स लेने में सक्षम है। तस्वीरें शार्प हैं और कम नॉइज के साथ आती हैं। इस बार फोकल लेंथ के इस्तेमाल में फर्क आया है। इस साल गूगल 30x जूम लाया है, जो प्राइमरी और जूम लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत साफ और अच्छी तस्वीरें ले लेता है। साथ ही सॉफ्टवेयर बोके की मदद से इस पर सिनेमैटिक वीडियो भी शूट हो सकते हैं। गूगल इसमें बेहतर स्टेबलाइजेशन, तेज नाइट टाइम शूटिंग और एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स का दावा कर रहा है। पिक्सल 7 प्रो की कीमत 84,999 रुपए है। वीवो X80 प्रो। X80 प्रो में आपको अपडेटेड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 SoC मिलता है, जो वीवो के अपडेटेड V1 प्लस इमेजिंग चिप के साथ आता है। ये इमेजिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस को और बेहतर बना देता है। इसका 6.78 इंच का डिस्प्ले बहुत अलग तो नहीं है, हालांकि ये हाई एंड जरूर है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2K रेजोल्यूशन मिल जाता है, जो इसे काफी शार्प बनाता है। और फोन में 4700 mAh की बैटरी दी गई है, जो 80 वॉट के चार्जर के साथ आता है। और ये फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन में 50 मेगापिक्सल का सैमसंग GNV सेंसर दिया गया है, साथ ही एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और 5x पेरिस्कोप लेंस भी दिया गया है। वीवो X80 प्रो का 50 मेगापिक्सल कैमरा शानदार काम करता है, साथ ही ZS के साथ कोलेबोरेशन से काफी फायदा मिलता है। ZS 30 स्टार लेंस कोटिंग ये सुनिश्चित करती है कि सन को डायरेक्ट शूट करते वक्त भी फ्लेयर कम से कम रहे। इसका ऑप्टिकल जूम भी काफी अच्छा है। फोन का 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस 5x ऑप्टिकल जूम के लिए सफिशिएंट है। फोन की सिनेमैटिक कैपेबिलिटीज काफी शानदार है, ये हॉराइजन लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। आप इसमें माइक्रो गिम्बल लेंस का भी लुत्फ उठा पाएंगे, इससे आपको बेहतर स्टेबिलिटी मिलती है। ये एक्सपोजर टाइम को भी बढ़ा देता है। हमने रात में तारों को भी कैप्चर किया और रिजल्ट शानदार था। फोन की कीमत 79,999 रुपए है। मोटो एज 30 अल्ट्रा। मोटोरोला ने इस फोन के डिजाइन में काफी काम किया है। फोन का कर्व डिस्प्ले, पतले बेजल्स, मैट फिनिश बैक पैनल और मेटल फ्रेम फोन को एक प्रीमियम लुक देता है। फोन का कॉम्पैक्ट फैक्टर उसका चार्म बढ़ा देता है। मोटो एज 30 अल्ट्रा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मैसिव प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी। मोटो एज 30 अल्ट्रा का 200 मेगापिक्सल का कैमरा सैमसंग के HP1 सेंसर के साथ आता है। ये सेंसर 16:1 बाइनिंग का इस्तेमाल करता है। इससे आपको iPhone 14 Pro और Samsung S20 Ultra के मुकाबले ज्यादा बड़ा पिक्सल साइज मिलता है। Moto Edge 30 Ultra के 200 मेगापिक्सल के कैमरे से उम्मीदें काफी ज्यादा थीं और इसने हमें निराश नहीं किया। हालांकि ये फोटो क्लिक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सेकंड लेता है, लेकिन इसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। फोटोज में आपको बढ़िया डिटेल्स मिलेंगी और कलर साइंस से हम बहुत खुश हुए हैं। कलर्स एक्यूरेट और वाइब्रेंट मिलेंगे। जूम करने पर भी आपको अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सैमसंग GN1 सेंसर का इस्तेमाल करता है। इस कैमरे में ऑटो फोकस भी है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल क्लोजअप के लिए भी कर पाएंगे। प्राइमरी कैमरे की ही तरह अल्ट्रा वाइड कैमरे की फोटोज भी काफी अच्छी है, खास तौर पर क्लोजअप इम्प्रेसिव है। फोन की कीमत 59,999 रुपए है।